नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा सरकार आयुष्मान कार्ड के बाद राशन कार्ड को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ने की तैयारी में है। यही नहीं, प्रदेश में 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले उन सभी परिवारों को भी वह विशेष सुविधाएं मिलेंगी जो बीपीएल परिवारों को मिलती हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले महीने से पीले कार्ड बनवाने के लिए लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। राशन कार्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा फ्री बनाया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि अमीरी गरीबी का फर्क रंग से क्यों दिखाना है, वह इसके खिलाफ है। कहा कि हमने ही अपने प्रदेश को 4 रंगों में बदल दिया। राशन कार्ड की कॉपी गुलाबी, पीली, खाकी और एक की हरी है। सरकार प्रदेश के हित में हमेशा कदम उठाती रहेगी। वह शुक्रवार शाम को अम्बाला सिटी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में 1,20,000 वार्षिक आय वालों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने 1,80,000 से कम आय वालों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में 7,00,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति देश के किसी भी अस्पताल में 5,00,000 रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।